हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई वालों के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक शाखा जबलपुर की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, देखिए विज्ञापन संख्या 1/2021। ठीक है, और देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि जो है आपका 28/1/2021 से हो रहा है और इसका ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27/2/2021 रखा गया है। ठीक है, अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे विषय दिया है कि वर्ष 2020-21 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल में डीजल सेट केवी SNDT विद्युत सामान्य DC कार्मिक इंजीनियरिंग विभागों के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षु के चयन एंगेजमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, यानी कि ये आपका ये रहने वाला है सब्जेक्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन 2021 आवंटित स्लॉट 561 प्रशिक्षुओं को चयन हेतु। ठीक है, यानी कि टोटल रिक्तियां जो रहने वाली है फ्रेंड, ये आपका 561 रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, कौन कौन से ट्रेड है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, किस किस ट्रेड का वैकेंसी आई है। देखिए यहाँ पे डीजल मैकेनिक, अगर आप डीजल मैकेनिक हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। SC देखिए यहाँ कैटेगरीज वाइज दिया गया है सीट, जो कि टोटल 30 है डीजल मैकेनिक का। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड दिया है कि ट्रेनिंग पीरियड आपका क्या रहने वाला है, तो ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 1 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10th+ ITI पास इन रिलीवेंट ट्रेड। ठीक है, यानी कि 10th आपके पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ भी टोटल 160 रिक्तियाँ हैं, जबकि इनका ट्रेनिंग भी 1 ईयर का होने वाला है। इनके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है, 10th+ ITI होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड। ठीक है, मतलब जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए मैं देखते हैं और क्या दिया है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एज की मैं बात कर लूँ तो देखिए अब आयु सीमा, अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1/1/2021 की न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए, यानी कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम एज कितना होना चाहिए फ्रेंड, 1/1/2021 तक 15 साल होना चाहिए तथा 24 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 24 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 15 और मैक्सिमम 24 दिया गया है। और फ्रेंड SC/ST के लिए छूट दिया गया है और OBC के लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक सर्विस मैन होंगे वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और क्या दिया गया है, और मेडिकल से रिलेटेड बात कही गई है फ्रेंड यहाँ पे। और देखिए चयन प्रक्रिया की मैं बात कर लूँ तो ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन हाई स्कूल या 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रकाशित पर आधारित होगी। इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, इसमें यानी कि आपका लिखित एग्जाम नहीं होने वाला है, ये आपका 10th बेसिस पे होगा इसका सिलेक्शन। ठीक है, 10th और ITI का जो आपका एवरेज मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए और क्या दिया गया है फ्रेंड, प्रशिक्षण और वृत्ति का। संविदा ये आपका 1 ईयर्स का होने वाला है। आवेदन भरने की प्रक्रिया, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी देखिए यहाँ पे www.mponline.government.in पोर्टल पर होम पेज के में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया है कि आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार हेतु क्या दिया गया है यहाँ पे, उपरांत यदि अभ्यर्थी के आवेदन में त्रुटि हुई है तो अभ्यर्थी पोर्टल शुल्क 50 रुपया GST जमा करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद मात्र 3 दिन तक आवेदन में हुई त्रुटि में सुधार करा सकते हैं। यानी कि अगर आपसे आवेदन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गई तो आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज फ्रेंड, ये आप देख लीजिएगा, 10th का मार्कशीट वगैरह, NCVT, SCVT, ITI का ऑल सेमेस्टर्स का मार्क्स चाहिए, कंसोलिडेटेड होना चाहिए। ठीक है,
SC ST का और कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या दिया गया है कि MP ऑनलाइन द्वारा पोर्टल शुल्क के रूप में 70 रुपया प्लस GST और प्रसंस्करण शुल्क 100 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल, जो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा, यानी कि एप्लीकेशन फी जो है ये आपका 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्रदान की गई, यानी कि SC ST के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या दिया गया है, ये फ्रेंड ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, जब आपका मेरिट बन जाएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करके ये आप अनुमंडल से बनवा करके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो यही सब जानकारियाँ थी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।